हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रेसिपी बाजार। आज मैं बनाने जा रही हूँ गुजराती स्टाइल दाल ढोकली, जिसे बनाने के लिए हमें चाहिए अरहर की दाल, बेसन, गेहूँ का आटा, करी पत्ते, सरसों के दाने, लाल मिर्च, चीनी, हल्दी पाउडर, लेमन, रेड मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, घी। सबसे पहले एक कढ़ाई में अरहर की दाल को 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। ये फ्राई हो गई है, अब इसमें 2 कप पानी ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर, नमक देकर दाल को पकने देंगे। जब तक दाल बन रही है, हम ढोकलियों को रेडी करेंगे। एक प्लेट में गेहूं का आटा, बेसन, घी, हल्दी पाउडर, रेड मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, नमक देकर मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखें, नमक हमने दाल में भी दे रखा है। अब इन्हें पानी से मिक्स करके गूंथ लेंगे और डो रेडी करेंगे। डो हमारी रेडी हो गई है, इसे अच्छे से प्लेन कर देंगे। दोनों साइड घी लगाएंगे, इन्हें रोटी की तरह बेल लेंगे। ये हो गई है, अब इसे ऐसे कट कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारी दाल भी रेडी हो चुकी है। इसमें इन ढोकलियों को ऐड करेंगे, मिक्स करके 10 मिनट्स तक पकने देंगे। इनमें गुड़ या फिर चीनी ऐड करेंगे थोड़ी सी और मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, ढोकलियाँ ऊपर आने लगी है, मतलब ये पक चुकी है। हम इसमें तड़का लगाएंगे। एक पैन में घी को गर्म होने देंगे। सूखी लाल मिर्च, सरसों के दाने, करी पत्ते, रेड मिर्च पाउडर अपने अकॉर्डिंग देखकर थोड़ी देर तड़कने देंगे। दाल ढोकली में 1/2 नींबू का रस देंगे और मिक्स कर लेंगे। तड़के को इनके ऊपर ऐड कर देंगे और सर्व करेंगे। हमारी दाल ढोकली रेडी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।